दोस्तों आजकल फोन तो सभी यूज करते हैं, पर क्या आप लोगों ने कभी सोचा है जो हम लोग फोन में रिचार्ज कराते हैं वो 28 दिन का ही क्यों होता है, जबकि महीने में तो 31 या फिर 30 दिन होते हैं, पर कंपनियां अपने रिचार्ज को 28 दिन का ही क्यों रखती है, इसके पीछे का क्या रीजन है? चलिए आपको इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी बताता हूं। वीडियो में एंड तक बने रहना। जब हम अपने फोन में एक महीने का रिचार्ज कराते हैं तो कंपनियां में ओनली 28 दिन का ही रिचार्ज अवेलेबल कराती है, क्योंकि एक साल में पूरे 365 दिन होते हैं। अगर कंपनी हमें 30 दिन का रिचार्ज देती है तो हमें पूरे में सिर्फ 12 ही रिचार्ज कराने पड़ेंगे, लेकिन अगर हम 28 दिन का रिचार्ज कराते हैं तो हमको 12 रिचार्ज कराने पर ओनली 336 दिन ही मिलेंगे, यानी हमको एक रिचार्ज एक्स्ट्रा कराना पड़ेगा। तो इसीलिए कंपनी हमें एक महीने की वजह 28 दिन का रिचार्ज अवेलेबल कराती है, ताकि उन्हें एक रिचार्ज का बेनिफिट हो सके। वही कहावत है ना, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए, तो कंपनी हमारे साथ कुछ ऐसा ही कर रही है। गाइस आप प्यारे प्यारे कमेंट किया करो। अगर आपके पास कमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कोई भी प्यारा सा इमोजी छोड़ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आपको ऐसी ऐसी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।